फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑपरेशन एंड मैट्रिसेस के टॉपिक्स देखे थे, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक था मैट्रिक्स एडिशन, सेकंड था मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, थर्ड था स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ था मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इन चारों टॉपिक्स पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसको हम दे रहे हैं प्रोग्रेस टू। तो प्रोग्रेस टू का क्वेश्चन नंबर वन है, इफ़ पी इक्वल्स टू दिस एंड क्यू इक्वल्स टू दिस, फाइंड मैट्रिक्स आर। आर मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, पी और क्यू आपको गिवन है, सच दैट 5p प्लस 3q प्लस 2q इज अ नल मैट्रिक्स। आपको इसमें एक इक्वेशन भी गिवन है जो कि इक्वल होगी एक नल मैट्रिक्स के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको p और q गिवन है, आप p और q तो पुट कर सकते हैं, r आपको फाइंड आउट करना है। अब इन तीनों को ऐड करके आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस p एंड q आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, सो R मस्ट बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो हमने लेट कर लिया एक मैट्रिक्स R, जिसके एलिमेंट्स हमने 2x2 ऑर्डर के लिए हैं, A, B, C, D, ये एलिमेंट्स हैं हमारे। तो हमारे पास P, Q, R तीनों ही मैट्रिक्स हो गई है। अब आपने इक्वेशन को लिखना है 5p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन है ये एक नल मैट्रिक्स है, तो इसके लिए इन तीनों को ऐड करके हमारे पास 0 ही आएगा। अब तीनों मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, 5 एंड मैट्रिक्स पी 3 मल्टीप्लाई हो रही क्यू मैट्रिक्स के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रही आर मैट्रिक्स के साथ इक्वल्स टू ये नल मैट्रिक्स, जो कि जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अब इसके बाद आपने सॉल्व करना है, ये 5 एक स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, इसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। ऐसे ही 3 एंड 2 को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास ये और ये मैट्रिक्स आया। अब इसके बाद आपने इन तीनों को ऐड करना होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। देन सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 45 प्लस 3 इक्वल्स टू 48, 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 20, 35 प्लस 21 इक्वल्स टू 56, 40 प्लस 36 इक्वल टू 76 एंड ये मैट्रिक्स हमने नीचे लिख लिया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 48 प्लस 2a, 20 प्लस 2b, 56 प्लस 2c, 76 प्लस 2d इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई है ये इक्वल हो गई है इस मैट्रिक्स के साथ। हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, जिसमें हम हर एक एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ जो इक्वल में है उसके। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हमने लिख लिया है। इसके बाद आपने हर एक एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल हो गई 0 के, सेकेंड इक्वेशन भी हो गई, थर्ड भी एंड फोर्थ भी। तो ऐसे ही हमने ऐसे कॉलम में लिख लिए इक्वेशंस को। अब एलिमेंट सॉल्व कीजिए, ये राइट साइड जाएगा तो -48 हो जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाई में है एक के साथ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आके इसको काटेंगे तो वैल्यू आ गई -24। ऐसे ही हमने बाकी के एलिमेंट्स भी सॉल्व किए, तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आई है, ए के लिए -24, बी के लिए -10, सी के लिए -28 एंड डी के लिए -38। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने आर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली है। तो फ्रेंड्स, हमारे आर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आए हैं -24, -10, -28 एंड 38। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बी मैट्रिक्स के अंदर है, लेकिन आपने इस इक्वेशन का यूज़ करना है। ओके, तो इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी मतलब ए मैट्रिक्स को ऐड करना होगा बी के साथ, देन उन दोनों से ऐड करके आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 बारी तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर आपने ए को भी 2 बारी करना है, बी को भी 2 बार करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो देखते हैं ये इक्वेशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, इक्वेशन लिखा
ये जो इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि a प्लस बी टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको टू टाइम्स लिख लिया है। राइट साइड में जो है हमारे पास, हमने उसको वैसे ही लिख लिया। अब a की मल्टीप्लाई होगी a के साथ, फिर ऐड होगा प्लस, फिर a की मल्टीप्लाई होगी b के साथ, तो इस एलिमेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के साथ, अब इसकी टर्न है। देन b की मल्टीप्लाई होगी a के साथ, तो ये b हो गया। फिर b की मल्टीप्लाई होगी b के साथ, तो b डॉट b, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लीकेशन को दर्शाता है। अब a डॉट a इक्वल्स टू a स्क्वायर, फिर ए बी बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इन राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड ले आना है, तो हमारा ये पॉजिटिव ए स्क्वायर है, ये नेगेटिव ए स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही ये पॉजिटिव बी स्क्वायर है, ये नेगेटिव बी स्क्वायर है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आया ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी रिड्यूस होकर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए हो गई है। तो अब हमने इस क्वेश्चन के लिए पहले ए बी निकालना होगा, मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, देन बी ए मतलब बी और ए का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। ए बी के मल्टीप्लीकेशन के लिए ए मैट्रिक्स रखिए, बी मैट्रिक्स के बाद रखिए, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into A प्लस माइनस 2 into B, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ऐसे हमने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन 2 into A प्लस माइनस 1 into B, सही, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 1 प्लस माइनस 1 into -1। तो इनको सॉल्व करने के बाद वी गेट a माइनस 2b, 1 plus 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2 into -1 का साइन, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं। ऐसे ही 2a प्लस माइनस b हो जाएगा ये, एंड ये 2 plus 1। को सॉल्व करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स आई a माइनस 2b 3, 2a माइनस b एंड 3, ए बी मैट्रिक्स आ गई है। अब बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। बी ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बी मैट्रिक्स आगे रखिए, ए मैट्रिक्स उसके पीछे रखिए, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन ए इंटू 1 प्लस 1 into 2, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए इंटू माइनस 2 प्लस 1 into -1, ऐसे ही फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, तो बी ए के एलिमेंट्स आए ए प्लस 2, माइनस 2 ए माइनस 1, बी माइनस 2 एंड माइनस 2b प्लस 1। अब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स भी आ गई है एंड बी ए मैट्रिक्स भी आ गई है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम उस इक्वेशन के अंदर, उस रिड्यूस्ड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन है ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो, ए बी की जगह आप ये मैट्रिक्स रखेंगे, बी ए की जगह आप उसका मैट्रिक्स फाइंड रखेंगे, देन इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इसके बाद आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना होगा, तो a माइनस 2b प्लस a प्लस 2, ऐसे दूसरा एलिमेंट को भी रखिए, 3 प्लस माइनस 2a माइनस 1, ये प्लस है तो इस नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट को भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आपने सॉल्व करना होगा a a को साथ में एंड b b वालों को, तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a माइनस 2b, तो b कोई है नहीं और एलिमेंट, तो ये माइनस 2b रहेगा, एंड कांस्टेंट पार्ट ऐसे लिख लीजिएगा। फिर ये 3 कांस्टेंट है, जो कि 1 भी कांस्टेंट है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 माइनस का 2a। ऐसे इस इक्वेशन को भी एंड इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2a माइनस 2 एंड माइनस 2b प्लस 4। अब हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, एंड बीच में इक्वल्स का साइन है, तो हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। By the क्वालिटी ऑफ matrices, ये पूरा एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, एंड ये बाकी एलिमेंट्स के। लेकिन ये हमारे ऊपर है हम कि कौन सी इक्वेशन को इक्वल कर रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन को रख रहे हैं 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इक्वल टू जीरो करने से हमारी वैल्यू जल्दी आ जाएंगी, तो 2a इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, a इक्वल्स टू 2/2, देन a का वैल्यू हो गया 1। फिर इस इक्वेशन के लिए ये यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, दोनों के साइन कैंसिल आउट होके हमारे पास b की वैल्यू आएगी 2।
फ्रेंड्स हम फर्स्ट एलिमेंट को भी इक्वल टू जीरो कर सकते थे, लेकिन वहाँ दो वेरिएबल थे, तो दो वेरिएबल के लिए पहले आपको ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती इसका यूज़ करके. हम इसका यूज़ करके भी निकाल सकते थे ए की वैल्यू. आपको चाहे आप इनका यूज़ कीजिए चाहे किसी का भी यूज़ कीजिए, आपके पास वैल्यूज़ यही आएंगी, ए इक्वल्स टू वन एंड बी इक्वल्स टू टू. यहाँ तीन क्वेश्चंस गिवन है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं. पिछले हमने अपनी वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस इन्हीं की तरह कवर किए थे, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं. तो सबसे पहले अभी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि आपने इन्हें कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए और आप बी आपको गिवन है, जहाँ पर आई स्क्वायर, इसे आप आयोटा स्क्वायर भी कह सकते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1. वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा RHS के, ये आपने इसको वेरीफाई करके दिखाना है. तो इसके लिए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लीजिए. अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सेम इक्वेशन थी, तो वो रिड्यूस हो गया था ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो. तो उसका LHS पार्ट आपने इक्वल करना होगा RHS के. वही ए बी फाइंड आउट कीजिए और बी ए फाइंड आउट कीजिए, देन उसको पुट कीजिएगा, देन LHS को रखिएगा साथ में, सॉल्व करेंगे तो RHS के इक्वल करना होगा आपने. अगर इक्वल आ जाता है तो दैट मीन्स वो वेरीफाई हो चुका है. सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फाइंड एफ ए. ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा था पिछली इस वीडियो में अपनी. तो इसके लिए आपने इस इक्वेशन के लिए ए की टर्म्स में लिखना होगा एक्स को, इसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे इस ए मैट्रिक्स को उसके अंदर पुट करके. थर्ड क्वेश्चन के लिए ए आपको गिवन है, शो करना है ए फाइव इक्वल्स टू दिस. आपको ये शो करके दिखाना है कि ए फाइव का मैट्रिक्स ये आएगा. तो सबसे पहले ए फाइव के लिए आप ए थ्री डॉट ए टू निकालिए. ए टू के लिए आप ए डॉट ए करेंगे तो आपके पास ए टू आ जाएगा. ए थ्री के लिए आप ए टू डॉट ए करेंगे, मतलब ए टू की मल्टीप्लाई कीजिएगा ए के साथ, तो आपके पास ए थ्री आ जाएगा. अब आपके पास ए टू एंड ए थ्री आ गया तो आपके पास ए फाइव आ जाएगा, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऐसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस करने हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें. थैंक यू.